नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल आप लोगों को। आज बहुत लोग देखे होंगे कि अशरफ भाई कहाँ हैं, आज अभी भाई कहाँ से आ गए। और मुझे अशरफ भाई का जो स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है करना, जो अशरफ भाई बोलते हैं शुरू शुरू में, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अशरफ भाई की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और ये मैंने प्रोग्राम अशरफ अहमद भाई के लिए डेडिकेट किया है। 369th एपिसोड है अशरफ भाई का आज की तारीख में। ये मैं सिर्फ अशरफ उनके लिए कवर कर रहा हूँ, अशरफ भाई के लिए आज ये प्रोग्राम। अशरफ भाई की तबीयत ठीक नहीं है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उनकी उनकी तबीयत अच्छी होने के लिए दुआएं करेंगे और उनकी तबीयत अच्छी हो जाए जल्द से जल्द, क्योंकि जो अशरफ भाई सिखाते हैं अपने प्रोग्राम में वो आज की तारीख में शायद ही सोशल मीडिया पर कोई हो जो सिखाते हैं लोगों को, आम जनता को, इंडिया के अंदर। किसी को भी यहाँ पर जुड़ना है वो जुड़ सकता है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, आपको भी सलाम, जय हिंद। डेंजल भाई, राजेश भाई, नमस्कार आपको। तो अगर किसी को भी जुड़ना है इस प्रोग्राम में जुड़ सकता है। अशरफ भाई ने 369 डेज इस प्रोग्राम को दिए, 368 डेज, 369th एपिसोड मैं कर रहा हूँ और मैं ये एपिसोड को डेडिकेट कर रहा हूँ अशरफ अहमद भाई को ही। कोई बात नहीं होगी, सिर्फ अशरफ अहमद भाई के बात होगी, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हैं वो तो अशरफ भाई अपने आप ही कवर कर लेते हैं और जितनी अच्छी तरीके से वो करते हैं कि शायद ही कोई करता हो आज की तारीख में। जाबर बिन भाई, अस्सलाम वालेकुम। विकास भाई, नमस्कार आपको। अब्दुल कयूम भाई, नमस्कार। अगर मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, अशरफ भाई की तबीयत ठीक नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उनकी तबीयत अच्छी होने के लिए दुआएँ करें, उनकी तबीयत अच्छी हो जाए और वो जल्द अपने दोबारा अपने प्रोग्राम को वही संभाले, क्योंकि वो जिस तरह से संभाल सकते हैं शायद ही कोई संभाल सकता है। तो आप लोगों में से अगर किसी को भी जुड़ना हो तो यहाँ पे जुड़ सकता है और दो शब्द अगर आपको अशरफ भाई के लिए बोलने हो, अगर इच्छा हो तो आप लोग वो भी बोल सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। अगर किसी को जुड़ना हो तो यहाँ पे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको जोड़ लूँगा अपने साथ। रफ़ीक भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपको पता होगा रफ़ीक भाई, आपको थोड़ी अशरफ भाई की तबीयत ठीक नहीं, उनके एब्डोमेन में पेन है काफ़ी और कल भी शायद वो जब एपिसोड कर रहे थे ही वॉज इन पेन, ही वॉज इन ऑल राइट, ही वॉज इन यू नो, उनकी तबीयत कल भी ठीक नहीं थी जब वो एपिसोड कर रहे थे, मगर उनकी शक्ल से दिखता नहीं क्योंकि जुनून इतना ज़्यादा है उनमें कि उस जुनून को कवर कर देता है, उनका उनका जो पेन है वो भी उस जुनून के अंदर दब जाता है। तो अगर किसी को जुड़ना है यहाँ पर अशरफ भाई के लिए कुछ दो शब्द कहने हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। आधे घंटे का प्रोग्राम हुआ ये, मैं और कोई भी टॉपिक पे बात करने में इच्छा नहीं हूँ आज की तारीख में, मुझे कोई भी टॉपिक पे बात नहीं करनी है, सिर्फ अशरफ अहमद भाई के लिए बात करनी है। और ये ट्रेंड रहा है मोहब्बत के दंगे परिवार में कि एक दूसरे को कवर करना, इसी को बोलते हैं एकता, इसी को बोलते हैं एक तरह से ब्रदरहुड, कि आप एक दूसरे को कवर कर सकें। तो प्रोग्राम नहीं रुकना चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन। जैसे किसी ने कहा है, एक बहुत बड़े डायरेक्टर हुआ करते थे राज कपूर साहब, उन्होंने कहा है द शो मस्ट गो ऑन, दिस शो मस्ट गो ऑन। डेंजल भाई ऐड होना चाहते हैं, डेंजल भाई मैं आपको कैमरे पर ले आता हूँ। दो मिनट के लिए ये होगा, दो दो मिनट के लिए जिसको भी कुछ कहना है अशरफ भाई के लिए वो कह सकते हैं, ज्यादा और कोई भी चैप्टर में बात नहीं करनी। डेंजल भाई गुड मॉर्निंग। हेलो सर, हाउ आर यू सर, कैसे आप? मैं बहुत अच्छा हूँ अभी सर। आपको अशरफ अहमद भाई के लिए कुछ भी बोलना हो आप दो मिनट में बोल सकते हैं नॉन स्टॉप। सर दिस इज माय प्लेजर कि मैं उनके लिए कुछ बोल पाऊंगा और ये बहुत बड़ी चीज है जो मैं उनके लिए बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे लिए एक मोटिवेशन है, स्पेशली यूथ को इनसे सीखना चाहिए। अशरफ भाई जो बोलते हैं ये यूथ के लिए एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है जो आज की तारीख में भारत के अंदर कोई नहीं दे सकता। राइट। और सबसे बड़ी चीज ये है कि डेली जिन टॉपिक के ऊपर बात होती है, कायदे के टॉपिक होते हैं, फालतू की कोई बात नहीं है, मुद्दे की बात होती है और सॉल्यूशंस की बात होती है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की बात होती है। तो मैं पर्सनली जितना अशरफ भाई को जान पाया हूँ तो मेरा तो यही कहना है कि लोगों को और जुड़ना चाहिए और फालतू की बातों पर ध्यान ना देते हुए इन मुद्दों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है जो अशरफ भाई लोगों के संज्ञान में लाना चाह रहे हैं। राइट। वो बहुत अच्छा रहेगा। राइट।
तो मैं आपको भी सर बधाई देना चाहूंगा कि जो मुहिम आपने शुरू की थी, इसमें जो लोग जुड़े हैं और जो जुड़ने वाले हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अवेयरनेस की, एक्सपीरियंस की। जो भी एमकेडी परिवार लोगों को देना चाहता है, जो शेयर कर रहा है, वो भविष्य में रंग लाएगी। जो अभी हम लोग बीज बो रहे हैं वो आगे जाके एक अच्छी कम्युनिटी बनाएगा, एक अच्छा समाज बनाएगा, और जो करने जा रहे हैं उसमें हमको डेफिनेटली बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी। तो थैंक यू, आपने मुझे बहुत बहुत समय शुक्रिया दिया अभी डेंजल सर। भाई, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर गुड वर्ड्स फॉर अशोक भाई के लिए। मेहनत जारी रहेगी, मेहनत इसी तरह करते रहेंगे। एक ही जरिया है अपने पास, सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के जरिए जितना भी हम यूज कर सके हम लोग यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोगों का साथ हुआ तो जल्दी ही जो जो एमकेडी का ड्रीम है वो जल्दी इंडिया में आप लोगों को दिखेगा, ये डेफिनेट है। इस बात की कोई दो राय डेफिनेटली नहीं है। देगा सर, डेफिनेटली होगा वो। ठीक है, ठीक और है। सर थैंक यू वेरी मच, नो नो यू मोस्ट थैंक यू। वेलकम डेंजल भाई, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू। ठीक है, फिर अपन यू टू करेंगे सर, बोले। थैंक यू सो मच, यू टू, थैंक यू सो बाय मच, थैंक यू। बाय। डॉक्टर सुप्रिया कपूर, मैं आपको लाइन पे ले रहा हूँ। डॉक्टर सुप्रिया कपूर को मैं, जो लोग बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं 2 मिनट। ये प्रोग्राम मैंने डेडिकेट किया अशरफ भाई के लिए सिर्फ, कोई और मुद्दों पे बात नहीं होने वाली, सिर्फ अशरफ भाई के लिए बात होगी। अशरफ भाई ने 368 डेज नॉन स्टॉप ये काम किया है, किसी की भी हिम्मत नहीं है इतना करने की। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो उनका भी परिवार है, उनका भी बिजनेस है, उनका भी सब चीज़ें जैसे आप लोगों के लिए है, मगर वो रोज 1 घंटा निकालना, तैयारी करना, वेरी गुड वो सब इवनिंग करना, जी। इट्स नॉट। नमस्कार सुप्रिया जी, कैसी हैं आप? बस बढ़िया, आप फरमाएं, आप कैसे हैं? बस हमारे तो अभी सुबह के 11 बजे यहाँ पे अभी तैयारी हो रही है दिन की, मगर उससे पहले हमने कहा एक प्रोग्राम हम डेडिकेट करेंगे अशरफ अहमद भाई के लिए। अशरफ अहमद भाई की तबीयत ठीक नहीं है, उनके एब्डोमन पेन हो रहा है काफी, और वो कल उनका भी जब वो स्टोन है, लाइव पे ड्यू थे टू उनके स्टोन्स एब्डोमन पेन है। था। अब वो तो पता लगेगा जब डॉक्टर बताएंगे, वो स्टोन्स हो क्या हो ये तो पता नहीं है, मगर कल भी जब वो कर रहे थे तो उनके पेन था काफी, और वो बिल्कुल। लोगों को पता नहीं लगता है इस तरह। आपको 2 शब्द अशरफ भाई के लिए कहने हैं तो आपको पूरा छूट सचमुच है, में आप जो बोलना अशरफ चाहें भाई बोल जिस सकते हैं। कॉन्टिन्यूटली, जैसे वो आके रोज एक एक एलर्जी एनर्जी के साथ काम करते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाते हैं, वो चीज शायद सब लोग अगर समझना शुरू कर देना तो अपने एंड पे ही लोग सुधरना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ उस बंदे का किसी भी तरह से पर्सनल कोई भी इशू नहीं है, उनका कोई पर्सनल लाइक फायदा भी नहीं है। फायदा वो सिर्फ उनका है जिस वतन से वो गए हैं। और लोगों को ये लगता है कि शायद वो अपने मुद्दे के लिए करके जाते हैं, पर वो अपने लिए नहीं, वो सबके लिए करके जाते हैं। सचमुच में वो बंदे की एनर्जी देखने वाली होती है। आज मुझे आना है, मुझे ये टॉपिक लेना है। सुबह दिन में अगर कोई बात कर रहा है तो बात करते करते आज हमारा ये टॉपिक होगा, आज हमारा ये टॉपिक होगा। वो जिस तरह से लेते हैं ना, वो चीज बहुत अच्छी है। और सबको इनवाइट करना, उनसे बात करनी, वो बहुत अच्छी चीज है उनकी। और इसी तरह से देखा जाए, आप भी कॉन्टिन्यूसली लाइव करते हो और उसके बाद एक एक टॉपिक को उठा के अच्छे से समझाते हो। कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो मुझे भी समझ नहीं आती, पर जब आप आते हो या अशोक भाई आते हैं तो हमें भी वो टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। और आप दोनों की हिम्मत, मिस्टर रफीक की हिम्मत, और पीछे बैक एंड से फैजान को सपोर्ट करना उसका, वो सब चीजें बहुत बढ़िया। और एक फैमिली की यूनिटी दिखती है कि सचमुच एक उम्दा। और मैं तो सचमुच ना इस फैमिली के लिए जितना कुछ मैं बोल सकूँ ना, मेरे लिए वो भी बहुत कम है। मुझे लगता है कि यार ये मेरी अपनी फैमिली है, एंड आई एम टू हैप्पी विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू बिल्कुल, सो मच। आप ये यहाँ आपसे शुरू होती है ये चीज, और अशरफ नहीं भाई सब लोग बहुत शुरू, बढ़िया हैं। ये एक परिवार है, ये किसी से शुरू नहीं होता, किसी से खत्म नहीं होता, या सब लोग एक ही लाइन में खड़े हैं, नहीं एक ही देखो, कतार में, कोई शुरुआत तो आगे भी कोई आपसे ही पीछे भी। है, देखो ये शुरुआत सब आपसे कहने ही की है, बातें हैं, वो हम ये नहीं। सब कहने। देखिए, गाड़ी चलाना हमने सिखा दिया, अब गाड़ी आप लोगों को चलानी है आगे, बड़ी तो सीधी सी बात सिखाया तो है। सही ना। तो बस वही है, अब आप मतलब इसका अंदाजा नहीं लगा सकते सुप्रिया जी। ये लोग जो जितने भी अपन इंडिया में बैठे हैं, अपन इंडिया में बैठ के सोचते हैं कि अमेरिका में ये सब करना, इट इज नॉट इजी। आज जिस आदमी के तीन तीन बिजनेस हो, तीन तीन स्टोर हो, 2 बच्चे उनके, 3 बच्चे हैं उनके, उनका भी परिवार है, उसमें समय निकालना, रात को 3 3 बजे गाड़ी में जाके, वो रीजन होता है कि आप जो अपने घर में कर, यहाँ पे क्या है, एक तो बहुत ज्यादा शांति होती है, तो आप घर में कुछ भी रात को बोलते हो ना तो पूरी आवाज गूंजती है घर में, यहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक की ऐसी आवाज नहीं आती, तो इसलिए वो गाड़ी में जाके करते हैं रात के 3 3
चार चार बजे, कोई भी वेदर हो, इतनी यहाँ पे ठंड पड़ रही है अभी, अनबिलीवेबल कोल्ड है, बिलो जीरो, उसमें जाके बिल्कुल गाड़ी में करना, ये सब लोग नहीं समझते हैं। ये सब करना, बोलना बड़ा आसान है किसी को नीचे दिखाना, और मगर दूसरी बात देखो ना आप, और दूसरी बात क्या, वो इस इंडिया की कंडीशन को सिर्फ दूर से देख रहे हैं, वो बेयर नहीं कर रहे, वो दूर से देख रहे हैं, हम लोग बेयर कर रहे हैं ना, हमारी वजह से वो उस चीज को हमें ही समझाते हैं और हमें उसको समझना चाहिए। मैं एक बात आपको बताता हूं कि हम लोगों ने, मैंने और अशरफ भाई ने वो कंडीशन सबने देखी है, हम वही थे इंडिया 30-30 साल। प्रॉब्लम ये हो गई है कि आप लोगों को वहां पे जब रोजाना दर्द होता है ना, तो उसकी आदत हो जाती है, आप लोगों को आदत हो गई उस पेन की। उस आदत से हम बिल्कुल निकलवाना चाहते हैं कि आप उस आदत का छुटकारा पड़े। ये तो आदत हो गई है आप लोगों की, रोज के ये जो मुद्दे उठाते हैं आज की तारीख में मीडिया में, ये आदत हो चुकी है सुनने की। तो जब ये आदत हो बिल्कुल गई सुनने की, तो अच्छी बातों की भी तो आदत होनी चाहिए ना। तो इससे ये जो पेन आप लोगों का, ये जो पेन हम देखते हैं आज की तारीख में, युवाओं में पेन देखते हैं, अनसर्टेनिटी देखते हैं, उनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता, कई चीजें मुद्दे हैं। तो हम लोगों को ये आइडिया है, क्योंकि और कोई भी आप अमेरिका आइए, आप लोगों को खुद आइडिया आ जाएगा, यार ये अशरफ भाई ये बिल्कुल सही बोलते हैं। इन लोगों को बिल्कुल जो इधर रहते हैं, ये दूसरी दुनिया है, यहाँ पे इस तरह नहीं होता जिस तरह आज की तारीख में इंडिया में। हम सुबह सुबह फेसबुक उठाते हैं। अब आप मुझे बताइए, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ वहां पे टेस्ट मैच चल रहा है, चेतेश्वर पुजारा ने तीसरी सेंचुरी मारी है, एक भी पोस्ट मैंने सोशल मीडिया में नहीं देखी वाहवाही करते हुए चेतेश्वर पुजारा की, सिवाय एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम, बिल्कुल बीजेपी वाले कांग्रेस को, कांग्रेस बीजेपी को, दोनों मिलके आम आदमी पार्टी को, बस यही काम है। तो अब अगर आप मेरी एक ना दूसरे को थोड़ी देर दर्द ही पहले देता बिल्कुल रहेंगे, अगर आप एक दूसरे को दर्द ही देते रहेंगे, तो आपको कभी भी नहीं होगा महसूस कि क्या होता है अच्छा वक्त क्या होता है, क्योंकि हम एक दूसरे को दर्द देने के लिए एक्सपर्ट हो चुके हैं। बिल्कुल मेरी दैट्स ना द तीन रीजन, चार दिन और पहले उससे ना अशरफ भाई बाहर रिजवी निकलने भाई की से कोशिश बात हो करते रही हैं। थी, 3-4 दिन पहले रिजवी भाई से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि जहां पे वो रहते हैं वहां पे वुमेन्स बहुत सेफ है, वुमेन्स का रिस्पेक्ट है, हम लोग फालतू में क्रॉस नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसे वैसे। मैं पता उनको क्या बोल रही थी, भैया एज अ ना फीमेल ना मुझे ये बहुत अजीब सा लग रहा है कि सचमुच में लेडीज के साथ ऐसा बिहेव भी करते हैं, हम लोग तो यहाँ से घर से बाहर निकलते हैं, मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ, आप मानोगे उन लोगों को वो भी बहुत बड़ी हैरानी होती है, लेडियों की गाड़ी ड्राइव कर रही है, हाईवे ड्राइव कर रहे हैं, लोगों का इसी में इतराज हो जाता है। क्या है कि मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, आज बड़े खुल के, इस इंक्लूडिंग मी, हम लोगों को कभी भी कर्टेसी की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है स्कूलों में। तीन वर्ड होते हैं, बिल्कुल गोल्डन वर्ड, सॉरी, थैंक यू एंड एक्सक्यूज मी। ये ना हमने सीखे बिल्कुल थे, ना किसी ने सीखे हैं। यहाँ पे पहली ट्रेनिंग होती है कर्टेसी की। मैंने बहुत बिल्कुल अमुक कम देखा है कि कभी वहां पे मर्द है, वो चार जने बैठ रहे हैं कहीं खाना खाने जाने, तो कुर्सी खींचते हैं औरत के लिए, या औरत क्रॉस कर रही है तो गाड़ी रोक लेते हैं, या फिर यहाँ तक कि बाथरूम जाते हैं मर्द, तो वहां पे जो बाथरूम कमोड का जो सीट होता है वो तक नहीं उठाते। तो ये बिल्कुल बेसिक मैनर्स है जो इनकलकेट नहीं हुई है, सिवाय एजुकेशन के। तो ये कुछ नहीं हो सकता कि साहब आप एजुकेशन कर दें और ये सब कर दें, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी पर्पस, बिकॉज यहाँ पे भी बहुत ज्यादा अनएजुकेशन है, ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे कर्टसी और मैनर्स बहुत है। मैनर्स, वही तो बहुत जो चीज है, आप जब बिल्कुल वही मुझे दैट्स हैरानी हो रही थी डिफरेंस। उनकी बात सुन के। यहाँ पे कोई भी तरह के कपड़े पहने औरत, तो उनको गंदी नजर से नहीं देखा जाता, मतलब होता ही नहीं ये सब चीजें। वहां पे एक अंग्रेज औरत, मैंने कई बार इस चीज का बताया कि मैं जब कनॉट प्लेस घूम रहा था, मैंने एक देखी एक अमेरिकन को, और सबकी मुंडियां घूम गई देखने के लिए उसको। मैं उनको देख रहा था जो लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, तो मैं देखता था कितने इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से अपनी कंट्री ग्रस्त है, और इसी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का आज की राजनीति फायदा उठाती है। सी यू कांट मैं बिल्कुल सीरियसली बोल रहा हूँ, कुछ भी हो, आप कितना ही पैसा कमा लें, कुछ भी करें, मगर एक बार ही अमेरिका जरूर आए सब। आपको आइडिया होगा कि डेमोक्रेसी किसको बिल्कुल कहते हैं एग्जैक्ट, कितना है, 2-3 लाख रुपया बिल्कुल खर्चा है, बाकी आप लोगों के सबके घर है, यहाँ पे हर कोने में आपको एमकेडी का घर मेरा तो मिलेगा, वो भी कोयटा नहीं में है, एमकेडी वाले, अरे मेरा तो वो भी खर्चा शिकागो में नहीं है, है, डैलस में है, पैसेडीना में, एलए में है, ह्यूस्टन में है, न्यूयॉर्क में है, हर जगह एमकेडी के घर है। तो रहने वहने की तो आप बात छोड़ दीजिए, टिकट का खर्चा है 1.5-2 लाख रुपए का, वो करके आइए हमारे पास, रहिए 3-4 महीने, गर्मियों यही निकालिए गर्मियां, एक बारी गर्मियां बिल्कुल यहाँ की देखिए कि कैसे यहाँ होता है। जब तक आप देखेंगे नहीं, तब तक कई लोग हमारी बात इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि वो देखते नहीं है। आज की बिल्कुल जब आप देखेंगे, हमें भी नहीं पता था, ये थे ना अशरफ भाई को पता था अमेरिका, अशरफ भाई 15 साल से रह रहे हैं, मेरे को 21 साल होने वाले हैं, हमें नहीं पता नहीं, था ये सब। अमेरिका का तो खैर मुझे पता है, वहां पे मेरा बड़ा भाई है, वहां का तो हाँ मुझे आपके पता है, तो आपका तो परिवार पर है। मैं रिजवी भाई की बात सुन के इतनी हैरान हो रही थी कि इतना ज्यादा रिस्पेक्ट है मुझे, मुझे या तो वो खौफ रिस्पेक्ट है है कि काश ये खौफ इंडिया में आ जाए, मैं तो कहती हूँ कि ये जो आपके
2 सेकंड। क्या है सुप्रिया जी, प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी को कुछ बताते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम उनको नीचा दिखाते हैं। नहीं, नहीं हम नीचा नहीं टीचर, दिखाते हैं। मेरे जो टीचर अगर मुझे कुछ बताते थे स्कूल में, तो ये थे ना, मेरा टीचर मुझे नीचे दिखाता था, वो मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहता था एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बींग, तो वो मुझे बताते थे। हम नहीं सुनते थे तो हमें थप्पड़ लगता था, नहीं सुनते थे मुर्गा बना दिया जाता था, पर सुनना पड़ता था टीचर की। जो जो स्टूडेंट सुन लिए वो स्टूडेंट आगे निकल गए, जो स्टूडेंट नहीं सुने वो स्टूडेंट आज भी धक्के खा रहे हैं। हमारे ग्रुप में ऐसे कि आज भी छोटे मोटे काम कर रहे हैं, हमारे ग्रुप में अच्छे बेहतरीन स्कूलों में पढ़े हुए भी ऐसे हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं सुना उस टाइम। तो यू इसीलिए हम आप लोग बताते हैं, अशरफ भाई जो करते हैं वो आज की तारीख में सोशल मीडिया पे शायद ही, मुझे नहीं दिखता कोई दूसरा आदमी करता होगा, या मैंने मैंने कभी देखा नहीं है। मैं अगर कर गया हूँ मिस तो सॉरी, बट मैंने नहीं देखा जितनी कंसिस्टेंटली एंड विद पेशेंस। गाली गलौज सब होती है उनको भी, हमें भी, मगर हमारे मुंह से आपने हमें नहीं, ऐसा तो है ना, हम लोगों को गालियां नहीं आती, ये गलत फहमी मत रहिए, हमें सब गालियां आती है, बस हम अपनी जबान पे नहीं लाते। लोगों को समझते हैं हम भी उनकी भाषा में उतर जाए, तो हम नहीं उतरने वाले, क्योंकि हमारे संस्कार, हमारी ब्रिंगिंग अप, हमारी एजुकेशन, हमारा बैकग्राउंड वो इजाजत नहीं देता है। और इसीलिए एमकेडी परिवार में बहुत ही कम इंस्टेंस होंगे किसी कोई एमकेडी परिवार ने कोई भी गलत शब्द का दूसरे के पोस्ट पे भी जाके इस्तेमाल किया। आप मानोगे हम लोग इवन मैं तो मेरा पर्सनल व्यू दे सकती हूँ कि एमकेडी भी एक तरह से एमकेडी भी एक तरह से एक परिवार है, और ये परिवार के संस्कार अलग है। बिल्कुल, ये परिवार के संस्कार अलग है। आज हमें फीलिंग ही नहीं, मैं आपको गारंटी करता हूँ सुप्रिया जी, आप किसी भी एमकेडी वाले से मिलोगे आपको कभी एहसास नहीं होगा आप जिंदगी में पहली बार उससे मिल रहे। मुझे तो मेरा अपना ना रियल, आप गए थे बॉम्बे, बॉम्बे गए थे आप पहली बारी, शकील भाई से मिले थे पहली बारी, रफीक भाई से पहली बारी मिले थे, फैजान से पहली बारी मिले थे, आपको एहसास हुआ? अब वो हमारे जो बड़े भाई है शकील भाई, वो जैसा जेंटलमैन आदमी आपको शायद ही इंडिया में मिलेगा। बिल्कुल, शायद ही, मैं गारंटी, मैं उस आदमी को 28 साल से जानता हूं। अशरफ भाई है मैंने आज तक नहीं देखा, अरशद भाई को मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने आपको आज तक नहीं देखा, पर सिर आप लोग भी तो मुझे लगते हो ना, तो इसी वजह से ये जो एक वार्मनेस है ना, और यहाँ पे ट्रस्टवर्दी होना और दूसरे को अंडरस्टैंड करना, और सिर्फ एक बेसिक टारगेट सबका नेशन के लिए, जो जितना कर सकता है वो अपने बिहाफ पे करता है, और वहीं पे ये चीज बहुत अच्छी है। और कभी मुझे तो आज तक फील, यानी तो मुझे कई बार फील हो जाता है कि मैं अनसिक्योर हूँ, मैं ऐसे, मुझे यहाँ पे आज तक नहीं फील हुआ। आप हो गए मिस्टर रफीक, हो गए अशरफ भाई, हो गए फैजान, हो गए और अरशद भाई, हम तो आज रिजवी भाई, हम तो आज खुले खाते में, हम तो आज खुले खाते में बोलते हैं ऑन बिहाफ ऑफ अशरफ अहमद, एमकेडी के अंदर जो भी महिलाएं जुड़ी हुई है खुले खाते में बोलते हैं और ओपन चैलेंज करते हैं। एमकेडी के अंदर कोई भी महिलाओं को, कोई भी आदमी पूरे हिंदुस्तान में हाथ लगा के दिखा दे, हम आपको जलवा दिखा देंगे हमारा इंडिया में क्या है। हाथ लगा के दिखाओ हमारी कोई भी सिस्टर को एमकेडी में, जो भी जुड़ी महसूस की है, हम दिखा देंगे जलवा क्या होता है। नहीं आप, हम तो ओपनली बोलते हैं ना, ओपन चैलेंज थ्रो करते हैं कि आप डॉक्टर सुप्रिया गाड़ी में जा रही है उनको छेड़ने की कोशिश करो, उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करो, हम बताएंगे यहाँ बैठे बैठे आपको जलवा क्या है एमकेडी का। तो एमकेडी का कोई भाई है आज की तारीख में, हम कोई भाई है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। नहीं हम उसके साथ, आप कोई भी भाई है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। आपको साथ खड़ा ही बहुत जरूरी होता है, ये नहीं आप हर इसके अंदर पैसे से मदद कर सकते हो, साथ खड़ा होना भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप दुख सुख में आदमी के साथ खड़े हो बिना देखे कि ये तिलक वाला है या टोपी वाला है। हम तो दुख सुख में सब एक साथ खड़े हैं। हम आज मेरी और मेरी रफीक भाई की इतनी पर्सनल बातें होती है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको अंदाजा नहीं, एक अंदाजा बताता हूँ, मेरी वाइफ रफीक भाई के साथ फेसबुक फ्रेंड है और मेरे साथ नहीं है। Can you believe this? My wife is a Facebook friend with Rafiq bhai और मेरी friend list में मेरी wife नहीं है। बिल्कुल। तो आप सोचो कितना बड़ा trust होता है हमारे आपस में। बिल्कुल। सोचो। नहीं यही trust की तो बात कर रही, इसी trust की तो मैं दांत देख रही हूँ आप सब लोगों की। मैं जब ये काम कर रहा था तो obviously एक wife थोड़ी सी घबरा जाती है क्या कर रहे हैं, तो मैंने उसको block कर दिया था पहले मेरी wife को, कि मैं नहीं चाहता कि वो ये सब चीजें जो मैं हम करते हैं वो चीजें देखे और गाली गलौज वो पढ़े। उसको फिर भी एमकेडी के बारे में पता रहता था, मैं समझ नहीं आता था। फिर मुझे एक दिन पता लगा ये फ्रेंड है रफीक भाई के साथ, तो रफीक भाई जब पोस्ट शेयर करते हैं तो इसको पता लग जाता है कि ये है एमकेडी। मुझे तो ना एक कॉइन ना कहते हैं ना, एक कॉइन के दो साइड होते हैं, मुझे एक कॉइन के ना 6-7 साइड लगते हैं, जिसकी एक साइड पे आप हो,
एक साइड पे मिस्टर रफीक है, एक साइड पे अशरफ भाई हैं, एक पे अरशद भाई हैं, एक पे मिस्टर फैजान है, एक पे रिजवी है। तो ये सब लोग ना मुझे ना एक पॉइंट के पता नहीं कितने साइड दिखाई देते, तो सब एक नेचर के, एक टारगेट के और एकदम से सिक्योर करके रखने वाले। हैट्स ऑफ आप लोगों को। हमारे हमारे में क्या है, थोड़ा बहुत हम लोगों ने इंडियन क्रिकेट टीम को कॉपी की है। हमारे में अपने बिल्कुल ओपनिंग बैट्समैन है, अपने मिडिल ऑर्डर है, अपने विकेट कीपर है, अपना सब चीज है, और सबको अपने अपने रोल प्ले करने हैं। बॉलर अपनी विकेटें लेता है, जैसे फैजान भाई है, एहतेशाम भाई खेलते हैं मिडिल ऑर्डर में, कुछ लोग ओपनिंग बैट्समैन में आते हैं, कुछ लोग रिलैक्स कर जाते हैं, किसी को किसी मैच एग्री। में बिठा देते हैं। तो हम एक तरह से क्रिकेट का वो लेके चलते हैं, क्योंकि क्रिकेट की भाषा लोग समझते हैं इंडिया में, तो हम उसी के बिल्कुल हिसाब से लेते हैं। जैसे पहले के कैप्टन थे MS धोनी, वो आदमी काम करता था, चुप रहता था, रिजल्ट देता था। आज की तारीख में विराट कोहली है, वो काम भी करता है, चिल्लाता भी है। तो अलग अलग कैरेक्टर है इसमें भी हमारे, और हमसे भी बिल्कुल गलतियां होती है, हम थोड़ा ना, हम इंसान हैं, और जब काम करते हैं तो गलतियां भी होगी, ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल एटलीस्ट हम काम तो कर रहे हैं ना, दैट्स इट। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी मैं किसी को ले लेता हूँ, किसी को अशरफ भाई के लिए दो चलिए, शब्द जो भी कहने हैं, है सही है। अशरफ श्याम भाई के लिए बहुत भाई भी सारे यही गुड है, विशेस रफीक भाई हैं, भी यही है। जल्दी से उनकी हेल्थ अच्छी हो। मैं बिल्कुल जा आप रहा हूँ मिस्टर मंडे रफीक को को, लीजिए, ठीक है मैं ना। मंडे को उनके उनके इलाके में जा रहा हूँ। मंडे को मैं कोशिश करूंगा उनसे मिलने के लिए, अगर वो अपॉइंटमेंट देंगे तो। बड़े बिजी आदमी, बड़े आदमी अपॉइंटमेंट ही नहीं 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 दे वो पाते अपॉइंटमेंट आप, अरे कैसी बात करते हैं, आपको अपॉइंटमेंट नहीं कौन नहीं देता बताना मुझे। आप इंडिया हो, नहीं आपको कब हम अपॉइंटमेंट देंगे, आओ ना, हम तो नहीं देने नहीं को तैयार। आप जल्दी आइए आपका इंडिया तो घर, में। आपका तो घर हमारा घर है। मुझे तो वो आप जो अपने चिकन विकन बनाते हो वो खाने आना है, आपने बहुत पहले मुझे बता बिल्कुल रखा है। पक्के से, मैं तो वेट कर रही हूँ कि आप चलो MKD वाला कोई तो आए मेरे पास, मैं तो ये सोच रही हम हूँ। सारे ही आएंगे, हम एक एक साथ ही दिन मेरी आएंगे, बस बात हो भर रही थी के। तो मैंने ये बोला, मैंने कि सब एक एक करके अपना प्लान बना लो। चलो ठीक है, आप ग्रुप में नहीं आ सकते, इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो भी जयपुर आ सकता आ जाओ। हम एक बात बताते हैं, ऐसे ही हमारा आज से 1-1.5 साल पहले डिस्कस हो रहा था कि MKD का एक एक बहुत बड़ी पिकनिक रखेंगे गोवा में, 100 200 300 लोगों की पिकनिक गोवा में, जब बिल्कुल पूरा परिवार एक गोवा में मिल रहा है। आजकल क्या होता है कि आप कोई भी घर रेंट ले लो, बड़ा सारा, बिल्कुल 15 20 50 हज़ार रुपए में रेंट में मिल जाता है आपको, 3 दिन के लिए, फर्निश्ड हाउस, 7 8 बेडरूम्स का पुरानी हवेली, और वहीं पे रहो 8 दिन 6 दिन। सब फेसबुक वेसबुक सब बंद, सब बंद, किसी का फोन नहीं चलेगा, और सिर्फ अपने साथ रहो, 250 300 जने, 6 दिन की एक पार्टी, एक तरह से जैसे महफिल होती है ना, जैसे शादियों में होता है, बस वैसे ही रहना है। बिल्कुल सब लोग, हम ये सब चीजें सोचते रहते हैं, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, यू नो। चलिए, जो भी तो वो है मगर होएगा हमेशा ये एक अच्छा दिन। होगा। मैं तो कहती हूँ आप हमें सिर्फ एक वो रास्ते दिखाओ, हम लोग उस पर चलने के लिए हमेशा तैयार हैं। और इस फैमिली के साथ जुड़ के एक प्राउड फील होता है, और हमेशा नेचर अच्छी रहनी चाहिए बस। एंड थैंक यू सो देखिए, मच आपका, आपने मैं ये शुरुआत की थी एक बार अशरफ आपको भाई बता के लिए देता हूँ, बहुत सारी गुड विशेस। एक बार बता देता हूँ, MKD का फ्रेम जिन्होंने लगा रखा है ना, मैं आज की तारीख में दावे के साथ कह सकता हूँ, जिन्होंने फ्रेम लगा रखा है उनकी पोस्ट पे आके बहुत कम लोग होंगे जो गाली गलौज करते होंगे, क्योंकि MKD के फ्रेम से थोड़ा लोग भी डरते हैं, और डरना जरूरी है। जब तक आप डरेंगे नहीं, जब तक आप सुधरेंगे नहीं। आप देख लीजिए, कर लेना नोट, आप MKD का फ्रेम जिसने भी लगा बिल्कुल रखा है उनकी पोस्ट पे आके बहुत कम लोग होंगे जो बदतमीजी करेंगे, क्योंकि उनको पता है ये लोग अगर पीछे पड़ गए तो हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। और मैं तो खुले खाते में वापस रिपीट करता हूँ, MKD में जितनी महिलाएं बैठी है, जितनी भी महिलाएं हैं पूरे इंडिया में, ओपन चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी हिम्मत हो तो किसी भी महिला के खिलाफ कुछ करके दिखा दो, हम गारंटी करते हैं तुम्हें घर तक नहीं छोड़ेंगे, मैं गारंटी भी है। नहीं छोड़ूंगी। हम लोग मिक्स हैं, हम लोग मिक्स हैं, शहीद आजम और महात्मा गांधी के मिक्सचर हैं हम। हम वो हैं जिसमें बिल्कुल मुन्ना भाई MBBS में कहा था ना, एक डायलॉग था, एक झापड़ मारता है वो संजय दत्त को, तो बोलता है यार गांधी जी ने बोला है, पहले झापड़ नहीं बोला, फिर बोले दूसरा, बोले तीसरे के लिए मना नहीं किया था गांधी जी ने कि वापस नहीं मारना, पहला गाल दे दो, दूसरा गाल दे दो, तीसरे के लिए मना। तो हम फिर उस टोन में आ जाते हैं बिल्कुल शहीद आजम की, तो तमीज से रहे हम, बिल्कुल आप तमीज से रहेंगे, हम आपसे, हम बिल्कुल आपके साथ तमीज से रहेंगे। अगर आप बदतमीजी की हद क्रॉस करते रहेंगे तो अलग इलाज है हमारे पास, बड़ी सीधी सी बात है। चलिए ठीक है, मैं यहाँ बिल्कुल पे मौलाना अजीम अब्बास साहब भी है, सब लोग हैं यहाँ पे, मैं एक एक मिनट के लिए ले लेता हूँ ठीक सबका, है फिर जी। मैं आपके लिए चलता हूँ। बहुत सारी, सबके लिए बहुत नहीं, सारे विशेस। आई एम ऑलवेज विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो अशरफ अहमद मच साहब के लिए दुआएं करिए, अशरफ अहमद जी। साहब जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाए, और तो कुछ नहीं है। ठीक ठीक है, है, थैंक यू सो मच, थैंक शुक्रिया, यू जी, थैंक यू। और किसी को आना है तो आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिए भाई, किसी को आना हो तो। रफीक भाई, आप अगर इधर ही है तो आप, मौलाना अजीम अब्बास साहब है, मौलाना अजीम अब्बास साहब को मैं ले आता हूँ, मौलाना अजीम अब्बास साहब। मैं बहुत फील किया MKD ज्वाइन करके, पर काफी सुधर गया।
हाँ मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अरे इंतजार करते करते आज दीदार आपने दिए मुझे। क्या चलिए बात खैर, करते हैं। चलिए चलिए आप खैर, बहुत मेरे लिए बहुत नहीं है, मैं तो अशरफ अहमद साहब की परछाई हूँ आज, और मैं उनके लिए ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम ही मैंने उनके लिए डेडिकेट किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो बात चल रही थी अभी जो वुमेन रिस्पेक्ट की, यानी वो औरतों छोड़िए, की, वो छोड़िए, वो छोड़िए। अशरफ अहमद साहब के लिए आपको दो दो शब्द क्या कहने हैं, आप वो बता दीजिए, गलत या सही, जो भी आपको अच्छा लगे। अशरफ भाई के लिए। ये अशरफ भाई के लिए डेडिकेटेड है। अच्छा, अशरफ भाई की जो भी कारकर्दगी और जो भी वो काम कर रहे हैं अमन के पैगाम के जरिए से, जो भी वो मैसेज लोगों को पहुंचा रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, माइंड को फ्रेश करना चाह रहे हैं, जो भी गंदगी लोगों के दिमाग में भरे हुए हैं जिसकी वजह से माहौल और समाज हमारा खराब हो रहा है, तो इसके लिए जो कोशिश अशरफ भाई की है, मैं चाहूंगा कि उनकी हिम्मत और हौसला अफजाई के लिए हम लोग जितना हो सके तन मन धन हर तरीके से उनका साथ दें, ताकि उनका हौसला बुलंद हो। और मैं भी, ये नहीं अभी भाई आप ही नहीं समझे, मैं अलग हूँ, बस मैं लाइफ कम बनाता हूँ, बस मेरी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन कसम मैं अपने, चूंकि मैं मुसलमान हूं तो मैं अल्लाह की कसम कहूंगा कि कसम खुदा की आप जब बोलते हो लगता है मेरी सारी दिल की बात आप बोल रहे हो, समझ रहे हैं कितनी खुशी होती है आपका लाइफ में। टोटली मैं अमन अमन का पैगाम अशरफ भाई का कभी मिस नहीं करता हूँ आपका। अगर 2 बजे रात में मेरी आंख खुल गई और देखा आप चल रहे हो तो नींद भी गायब, फिर मैं तो देखता हूँ पूरा सुनता हूँ। मेरी वजह से डिस्टर्ब हो जाते हो, नहीं उसके नहीं लिए नहीं आपको नहीं बहुत बहुत डिस्टर्ब सॉरी। नहीं है। अरे जो जिसमें खुशी मिल रही है उसमें डिस्टर्ब क्या, जिसमें परेशान होता है आदमी ना उसको कहते हैं डिस्टर्ब, समझ रहे हैं आप। तो बहरहाल मैं, मुझसे जो कुछ बन पड़ता है और जो मैं जहां जाता हूँ वहां पे जो बातें होती हैं, हालांकि मुझसे भी लोग पूछते हैं या MKD बहुत सारी रिपोर्ट आपके बारे में मुझे लोग बताते हैं, चूंकि मैं अब मौलाना नाम के आगे लिखा है तो मेरा हर जगह जाना होता है, प्रोग्राम वगैरह चलता रहता है, तो लोग बताते हैं आपका नाम लेके बताते हैं कि अरे वो अभी भाई हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं तो बोलता आप भी जुड़ो ना, जब कोई अच्छा काम हो रहा है आपको अच्छा लग रहा है तो आप भी आओ, आपका स्वागत है। यहाँ तो कोई धर्म, कोई मजहब, किसी चीज की कोई लेन देन है नहीं, यहाँ सिर्फ इंसान की बात हो रही है, आपको काम अच्छा लग रहा है आप आइए। अभी भाई मैं सैल्यूट करता हूँ आपको और अशरफ भाई को थैंक यू सो इस मच। हौसला हिम्मत से जो काम कर रहे हैं हमारे एहतशाम भाई हैं, और ये तो मेरे बगल में ही रहते हैं एहतशाम भाई, यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं होगा उनका रूम हमारे अच्छा, यहाँ से। जी ओ मेरे अच्छा, मेरे कल मैं आज सुबह मैं एहतशाम भाई के रूम पे था 1.5-2 घंटे तक वहीं मैं था, चाय वगैरह मैंने पी, तो ये सारी चीजें हैं। तो एहतशाम भाई ने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया, ये हमारा ऑफिस है, देखिए एक लेडीज उस काउंटर पे बैठती है, एक लेडीज उस पे बैठती है, ठीक है ये मेरा काउंटर है, लेकिन अभी भाई जो रिस्पेक्ट है वो यहां से पैदा होता है, संस्कार में रहते हैं वो चीजें, जो माँ बाप ने हमें बिल्कुल सिखाया, जो हमारे टीचरों ने बताया, जो आपको सुन के मैंने एक मरतबा कमेंट्स किया था कि अगर सुधरना है, दिमाग सही करना है तो अभी भाई को पढ़ना और सुनना शुरू कर दो, अपने आप सुधर जाओगे, मैंने किया था, आपने उसको लाइक भी किया था। तो आज की इंसान तो डेट, रोज ही सुधरता है, इंसान तो रोज ही सुधरता है, रोज ही। हमारा जी कहने का मतलब सीधा ये होता है मौलाना साहब कि आप हमसे कुछ सीखो, हम आपसे कुछ सीखे, और जी जिंदगी बिल्कुल। अच्छी कट जाएगी। बड़ी सीधी सी बात है, यू मैंने नो। तो किताब में एक चीज कोटेशन, एक लाइन पढ़ी थी कि इंसान के लिए हर दिन कुछ नया सीखने का होता है, हर दिन, बस इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सीख कितना रहा है वो किस। बिल्कुल सही और बात है। एक अभी 2-3 दिन पहले मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी है कि उसमें ये लिखा हुआ है कि इंसान अगर फजूल के काम में, यानी जो काम की जरूरत नहीं है उसको, अगर उसमें अपने आप को बिजी रखेगा तो जिस काम की जरूरत है वो कभी वो कर नहीं सकता। एब्सोल्युटली बिल्कुल जी, तो अपने आप को आप सही। बिजी उन कामों में ना रखिए जिसकी जरूरत आपको नहीं है, आप उसी को यूज करिए जो जो आपकी जिंदगी के लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके समाज के लिए, आपकी कौम के लिए, जो भी आपके, जो आपके अगल बगल जो लोग हैं उनके लिए, आपके लिए जो चीजें जरूरत है आप उस पर फोकस करिए, उस पर ध्यान दीजिए, उस कामों को करिए। देखिए अभी भाई मैं मौलाना हूँ ठीक है ना, लेकिन मेरे जितने भी दोस्त हैं, आपको हर क्रिश्चियन भी मिलेंगे, जितने हिंदू है हमारे बलराम एक हैं पटवा, इतने अच्छे दोस्त हैं हमारे जौनपुर के कि मैं बता नहीं सकता, क्या हिंदू क्या मुसलमान, मैंने आज तक बचपन से आज तक मैंने फिर मेरे माँ बाप ने बताया नहीं, जबकि लोग मुझे देखने के बाद अरे ये तो मौलाना है, ओ मुल्ला होगा, बोले कोई, लेकिन इंसान है तभी हम बाद में कुछ हैं।
बिल्कुल सही इंसान बात, नहीं तो चाहे मुल्ला हो, चाहे पंडित हो, चाहे पादरी हो, अभी भाई कोई भी हो, इंसानियत नहीं है तो मैं समझता हूँ। फिर वो जानवर है ना, अरबी में, क्योंकि मैं सऊदी अरब में हूँ और अरबी से पढ़ा भी हूँ, दो लफ्ज बोले जाते हैं, हैवान नातिक और हैवान सामित। हैवान तो समझ गए होंगे, जानवर को बोलते हैं। तो उसमें लिखा है कि ये हैवान नातिक जिसके पास जबान है, बोलने की शक्ति है, जो बोलता है अगला समझ लेता है, ठीक है ना। हैवाने सामित वो जानवर है जो बोलता तो है लेकिन उसकी बातें समझ में नहीं आती किसी के। जैसे जानवर है, हर देखिए हर जानवर की आवाजें अपनी अलग होती हैं, लेकिन ये हैवाने नातिक जो है इसका दर्जा अव्वल इसलिए है कि इसको दिमाग दिया है ऊपर वाले ने, सोचने समझने की सलाहियत दी है, समझ गए। तो अगर इस दिमाग का यूज करना इंसान छोड़ दे तो फिर वो हयान हवाने नातिक नहीं रहता है, हैवान बन जाता है वो। जहां से दिमाग का, सही बात, हाँ दिमाग के यूज करने के भी दो तरीके हैं, एक सही कामों में, एक गलत कामों में, ठीक है। हो सही सकता है बात, मैंने अभी भाई के जेब में देखा कि 10,000 रुपए पड़े हैं, हम दिमाग लगा रहे कैसे चुरा ले इसको, ये भी एक दिमाग लगाना हुआ, ठीक है ना। और सही एक बात है। दिमाग ये कि मैं देख रहा हूं एक एक आदमी, उसको क्या है, वो अपनी जिंदगी में सक्षम है। आपको क्या कमी है अभी भाई, माशाल्लाह से क्या कमी है, अल्लाह आपको और तरक्की दे और हिम्मत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मैं तो बहुत दुआ करता हूँ आपके लिए, समझ गए, जो भी हमारा तरीका है दुआ का, मैं बहुत दुआ कमी करता हूँ। आपने बोला, कमी क्या है हमारे लिए? हमारे पास सबसे बड़ी कमी है कि हमारे पास इंडिया नहीं है, वो आप लोगों के पास है। जी मेरे पास भी कहाँ है साहब, मैं भी तो परदेश में ही पढ़ा हूँ। मैं आप लोग, आपको, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, आज की तारीख में वो पुरानी कहावत है ना, जो चीज पास में होती है उसकी उसकी इतनी तवज्जो नहीं होती। आज जितना हम या अशरफ भाई हो या रफीक भाई हो, अपन जितने भी लोग रहते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सब इंडिया को मिस करते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो आदमी बोले कि यार मेरे को इंडिया नहीं जाना, या मुझे अब इंडिया से कुछ लेना देना नहीं। मैं मान ही नहीं सकता बात। मिस करता हूँ तो जो साहब लोग हर वहां रहते पल। हैं वो, तभी तो मैं बोलता हूँ, ये लोग जो बातें करते हैं भारत माता की जय, जो वहां बैठते हैं, इनको पता ही नहीं भारत माता का असली में क्या सही बात चीज है। है, क्या आप कैसे मिस, आप जब तक अपनी माँ से अलग नहीं रहोगे, आपको माँ की अहमियत ही पसंद, आपको पता अहमियत ही नहीं नहीं रहेगी। होगी, तो हम बिल्कुल अपनी माँ से जब अलग रहते हैं, तो हमारी तो दोनों माँओं से अलग रहते हैं, हमारी जो माँ जिन्होंने हमें पैदा किया उनसे भी अलग रहते हैं, जिस माँ के गोद में हम बड़े पैदा हुए उससे भी अलग रहते हैं। तो हमें इसलिए इतना दर्द है। और जब हम देखते हैं कि हमारे भाई जो उसी माँ के बच्चे हैं, जब वो लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद करने निकल चुके हैं, और एक राजनीति की इतनी ज्यादा दिमाग में घुस चुका है जिससे अंत में इनको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ बिल्कुल, नहीं। कुछ कुछ नहीं मिलना है। राजनीति कभी भी आपके और मेरे बीच में कभी भी दोस्ती करना नहीं चाहेगी, कभी बिल्कुल नहीं। उनको पता है अगर उनकी आपकी मेरी दोस्ती हो गई तो उनकी राजनीति खत्म हो जाती है। जी, तो बिल्कुल राजनीति का एक होती है पॉजिटिव राजनीति, एक होती है नेगेटिव राजनीति। अभी क्या जी, है अपने देश के अंदर, ये सारी की सारी नेगेटिव राजनीति है। हम, मैंने शुरू में कहा आप जुड़े नहीं थे, जब सोशल मीडिया उठाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया हिंदुस्तान में जंग छिड़ गई है क्या? मुसलमान हिंदू को गाली दे रहा है, हिंदू गाली को दे रहा है, कोई लिंच हो रहा है, किसी का बलात्कार हो रहा है, कुछ ये खबर कोई वो खबर, एक अच्छी खबर नहीं। अभी क्रिकेट के अंदर मैंने कहा चेतेश्वर पुजारा ने तीसरा सैकड़ा मारा, एक पोस्ट नहीं देखी मैंने। जब हम थे तो 2000, जब हम आए थे सोशल मीडिया पे, तो पहले पोस्टें ही होती थी क्रिकेट के बारे में या नई फिल्मों के बारे में। अब तो क्रिकेट के बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो मतलब आप सोचो कि लोगों का फोकस कहाँ से कहाँ चले गया, ऐसे सब्जेक्ट में चले गया जिसमें अपन समझते नहीं है ज्यादा। वो 18 साल का बच्चा या 20 साल का बच्चा वो राजनीति में क्या समझता है अभी, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम। तो आपको अभी क्रिकेट में देखो, आपको क्या सीखने को मिल रहा है। विराट कोहली को देखो, कैसे वो एक छोटे परिवार से निकल हुआ लड़का आज विराट कोहली कहाँ पहुंच गया, मोहम्मद शमी कहाँ पहुंच गया, सलमान अली कहाँ पहुंच गया, अभी यादव विजय सलमान वाला, अली को कैसे देखिए, वो मुझे लोग ये कहेंगे लोग मौलाना डेडिकेटेड, होके ये सब, मैं ये सब नहीं मानता हूं। एक लड़के को ये देखो, लोग कहां से निकला, कहां पहुंचा, आज उसको दुनिया सलाम कर रही है, बस बात शान खत्म है, हो गई, बस शान है, समाज की शान है, देश की शान है। तो उस शान के पीछे आप चलेंगे या अपन लोग? वो 18 साल का लड़का जिसके घर में, वो खुद बताता है प्रोग्राम में, दो उसकी रोटी नहीं थी, और कहाँ से उसका बिल्कुल घर दिखाते हैं मेवात में, वहां से वो लड़का अगर यहाँ तक पहुंच जाता है, देन दैट मींस समथिंग जो अपन लोग सही नहीं कर रहे हैं, और उसने सही किया लड़के ने। बिल्कुल, एमएस धोनी को देख लो, अंग्रेजी हाँ का एक शब्द नहीं आता था उस आदमी को, झारखंड के चौराहे पे बैठ के खुद बोलता है, उसकी किताबों में लिखा है कि वो चाय जी पीता जी था, कोई उसको ले ले, और आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए। विराट कोहली, ये जितने इंडियन क्रिकेट टीम में आए हैं, ये जी बहुत ही सामान्य समाज के लड़के हैं ये लोग, कोई जी कोई रिच क्लास से नहीं आया हुआ है।
आप इसको देख लो, अभी तो अभी जो बॉलर है, अभी जो इसके बारे में तो बड़ा किस्सा हुआ था इसकी वाइफ के साथ, मोहम्मद शमी के साथ, वो जी किस्सा खत्म करके आज ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है लड़का, और कितना कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड गिने जा रहे हैं ये लोग आज चारों। उनकी बातें नहीं करेंगे हम बात जी करेंगे कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं, राहुल गांधी पप्पू है, मोदी जी भगोड़े हैं, अरविंद केजरीवाल, मोदी जी फेंकू है अरविंद केजरीवाल, जी जी इट्स नॉट गोइंग टू लीड, कभी भी आपको कोई चीज हासिल नहीं होने वाली इससे, बिल्कुल। नहीं होगी। देखिए, जो हमारे हिंदुस्तान का जो माहौल है ना, हर एक तो एक जो होता है ना कि जैसे पहले क्या होता था, जैसे बचपने में मैं भी फिल्म वगैरह मैं देखता था बहुत पहले, तो होता है कि आपने भी गौर किया होगा कि फिल्म देखने के बाद जब पिक्चर हॉल से अब मैं आपको एक बता, अब मैं थोड़ी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आई एम सॉरी। यहाँ हमारे पुराने भाई हैं यहाँ पे, धर्मेंद्र सिंह जी, मतलब मैं तो उनको देख नहीं सकता, और ये गलत सलत बातें कर रहे हैं। हमारे बड़े हाँ भाई हैं राजेश जी देवेंद्र, जी जो कि टीचर हैं। हाँ ये जो कल्चर डेवलप हुआ है ना, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 2014 से पहले ये कल्चर नहीं था, जी ये कल्चर था ही नहीं, हमने तो नहीं देखा। ठीक हाँ है, राजेश जी एक टीचर हैं, बहुत गजब जी का काम करते हैं अपने गांव में, सब करते हैं। जी और अब एक टीचर की भी जब इज्जत नहीं होती समाज के अंदर, तो मुझे लगता है फिर समाज में किसी की भी इज्जत नहीं हो सकती है। जी शिक्षक बिल्कुल पहला, गुरु आपका पहला होता है, यहाँ तक कि माँ बाप से पहले गुरु भी आता है कई जगह। जी जैसे हाँ अब जैसे कलाम साहब है, मैं जी कलाम साहब से ज्यादा सीखा हूँ बनिस्बत किसी से भी, जी तो बिल्कुल मैं मिला नहीं उनसे कभी भी, मगर मैं उनकी किताबें पढ़ पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे टीचर है, क्योंकि मैं उनके हर किताब में हर पेज पे कुछ मुझे सीखने को मिलता है। एपीजे अब्दुल तो कलाम का एक कोटेशन जो मुझे हमेशा याद रहता है वो ये है कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ के चले जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट, ब्रिलियंट। ये उन्होंने लिखा है। चलिए, अभी बहुत लोग जी आने वाले हैं मौलाना साहब, आपको दो जी शब्द अशरफ भाई के लिए बोलने हैं, आप बोल दीजिए, जी फिर मैं अशरफ किसी भाई और के का लिए। मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपका भी अभी भाई जो मुझे जोड़ा और कुछ कहने का मौका मिला। अब खैर बातें तो बहुत है, मैं सोच रहा हूँ, मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ एमकेडी की तरफ से, मैं खुद लाइव जैसे आप आते हो अशरफ भाई आते हैं, तो इस तरीके से मैं एक बना रहा हूँ प्लान कि मैं भी रोज कुछ ना कुछ एमकेडी की तरफ से जो पैगाम जो हमसे हो सकेगा लोगों को समाज को देने का, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे भी अशरफ, बहुत ब्रिलियंट हैं आप लोग, समाज में बहुत हजारों में एक मिलते हैं आप जैसे लोग, तो मैं सैल्यूट करता हूँ आपको भी और दुआ देता हूँ अशरफ भाई को भी। जी सब एक ही जैसे हैं, किसी में जुनून ज्यादा होता है किसी में कम होता है, मगर अपन सब भारतीय हैं, आप लोगों को इसमें कोई दो देखने राय के बाद नहीं। किसी जुनून को जुनून तो अंदर है लेकिन सोया हुआ था, आप लोगों को देखने के बाद जागने लगता है हौसला चलिए बढ़ बहुत जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रखिएगा, और अब अम्मी ओके अब्बू बिल्कुल को हमारा सलाम बोलिएगा, और बहुत बहुत बिल्कुल प्यार आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक ओके ओके यू। मोहम्मद शाहरुख तारिक भी में आए अभी भाई, बिल्कुल त्यागी भाई आप आ सकते हैं, बस दो चार जनों को और लूंगा यार, फिर मुझे भी एक जगह थोड़ा काम है, और ये अशरफ भाई को डेडिकेट किया है मैंने प्रोग्राम सीरियसली। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे कैसे हैं हो आप अभी भाई? त्यागी जी अल्लाह का भाई, शुक्र है, मैं सब बहुत बता अच्छा हूँ, एंड बताइए। आई होप कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। गेट वेल सून बिल्कुल सबसे पहले अशरफ भाई जान को, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अपने प्लेटफॉर्म पे वापस आए, हम लोगों को जैसे आगे से तालीम देते रहे हैं आगे भी ऐसे ही देते रहे। चलिए ठीक है, जी अपना ध्यान रखिएगा आप त्यागी जी साहब, अभी भाई, और और आप कैसे देश हैं के अभी भाई? लिए बस बस जी ऊपर बहुत वाले की दया है, ज्यादा इंडिया आप को, लोगों का प्यार है, बड़ों का आशीर्वाद है। तो बस मार्च में जाने का इरादा बना है, इंशाल्लाह मार्च में निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जाके आइए जी इंडिया, अभी और अच्छे इंतजार अच्छे रहेगा, काम छह करके आइए वहाँ पे। ठीक है, महीने की छुट्टी है तो इंशाल्लाह प्रोग्राम बनाइए फिर। तो आपके साथ मुलाकात हो जाएगी हम लोगों की फिर जी बिल्कुल इंशाल्लाह, 6 आपसे भी महीने और बाद। ज्यादा मुतासिर होना है, अशरफ भाई जैसे एंटरटेन करते हैं हम लोगों को, एक नई सोच देते हैं, इसको बहुत बिग सैल्यूट है इनके लिए, क्योंकि वो इस तरह के टॉपिक लेके आते हैं ना जो आजकल चल रहा है जो हमारे सामने है, तो हमारा भी फर्ज बनता है उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके भाई हैं, बड़े भाई हैं, आपके तबीयत जी थोड़ी ठीक नहीं है उनकी, उनके एब्डोमेन में जी पेन हो रहा है, और कल भी जब वो आए थे प्रोग्राम कर रहे थे अपना, तो वो तब भी पेन में थे, उन्होंने जी जी दवाई दे रखी थी, तो बस दवाई लेके पेन में थे। सुबह मेरे पास फोन आया बॉम्बे से जी फैजान का कि आप कवर कर लो आज प्रोग्राम, मैंने कहा बिल्कुल, ये तो नहीं, इतनी इतनी बहुत अच्छा तुम्हें किया अभी भाईजान,
नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, त्यागी भाई, जय हिंद आराम भगवान। करिए आप भी। थैंक यू सो मच, जय हिंद। एक साहब आए यहाँ पे, भाई ये लोगों को तो मैं तो बात भी नहीं करना चाहता, जिन लोगों से आप एहतिशाम भाई आप लोग बात कर रहे हो। रजत कुमार एक है, मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। रजत, आप एक बार ही आइए लाइव, और ये अशरफ अहमद साहब के लिए है प्रोग्राम। अशरफ अहमद मेरे छोटे भाई हैं, ठीक है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो यार आई डोंट नो, यू नो सम पीपल दे हैव दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, ये केकड़ा मानसिकता से ग्रस्त हैं। मैं तो इनका नाम भी नहीं लेना चाहता अब। इनको इतनी भी मैनर्स नहीं है, इतनी भी तमीज़ नहीं है कि मैं ये प्रोग्राम को डेडिकेट कर रहा हूँ अशरफ अहमद भाई के लिए, जिनकी तबीयत ख़राब है। मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रहा था कि इन लोग इन अशरफ अहमद भाई के लिए दुआएं मांगिए कि उनकी तबीयत अच्छी हो जाए, और यहाँ पे कुछ केकड़े आके इस तरह बातें करते हैं, यही बदतमीजी है, और यही जहाँ पे आपके संस्कार फेल हो जाते हैं। आप दोनों तीनों अगर मेरी बात सुन रहे हो तो ये मेरी बात सुन लीजिए, आपके कोई संस्कार नहीं है, आपकी समाज में कोई वजूद नहीं है, आपको चौराहे पे भी कोई नहीं जानता है। नथिंग, यू पीपल हैव डन नथिंग फॉर द नेशन, जीरो, यहाँ तक कि आप लोग इनकम टैक्स चोर भी हैं, ठीक है। नहीं, एहतिशाम भाई, इनके मुंह नहीं लगने का, लेवल बहुत ऊपर है एमकेडी का। इनके पहले बता दिया, इन लोगों को समझा दिया, नहीं समझते छोड़ दीजिए इनको अपने हाल में, हमने ठेका नहीं ले रखा इन लोगों का। ये खुद जानते हैं इनकी वक्त क्या है, ये खुद जानते हैं, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ये अशरफ भाई के लिए प्रोग्राम है, और मैं ये जो गंद है यहाँ पे उनको लेके भी आना चाहता, उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, कि कहाँ मेरे अशरफ भाई का नाम और कहाँ इन लोगों का नाम, मैं दोनों नाम को कनेक्ट भी नहीं कर सकता, इट्स इम्पॉसिबल। ओके, सो एनीवे, फ्रॉम माई साइड अशरफ भाई, गेट वेल सून एंड होपफुली आई विल बी एबल टू सी यू ऑन मंडे। मैं आपको कल वीकेंड पे फोन करूंगा, और वीकेंड पे फोन करके मंडे होपफुली आई विल बी एबल टू सी यू एंड यू विल बी वेल, हेल एंड हार्टी एंड अगेन यू नो जंपिंग। सो एनीवे, गॉड ब्लेस अशरफ भाई, और ये मैं सिर्फ अशरफ भाई का जो अमन का पैगाम का प्लेटफॉर्म को कवर कर रहा था एक दिन, दैट्स ऑल। और सबने जिन्होंने दुआई दी अशरफ भाई के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। एमकेडी एक परिवार है, एमकेडी कोई संगठन नहीं है। जितने संगठन वाले हैं वो यहाँ से छोड़ के चले जाए, क्योंकि परिवार आपको कभी भी दबोच देगा, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। और खैर, हम लोगों का आपसे कोई लेना देना भी नहीं है, हम तो आपके जो माई बाप हैं उनके पीछे पड़े हैं, तो आप तो प्यादे हैं, आप लोग तो छोड़ ही दीजिए, तो मत अड़िए, बेटर यही है, अपना काम देखिए, अपने परिवार में देखिए, अपने हालात देखिए, अपने घर की तरफ देखिए, क्या सामान है आपके पास उसकी तरफ देखिए, उसके बाद कोई भी काम करना, उसके बाद सोच समझ के करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच आप लोगों को।